कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आज जन्मदिन है। हालांकि जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों में थोड़ी मायूसी जरूर है। मायूसी होने की वजह यह है कि सचिन पायलट के हर बार जन्मदिन के मौके पर उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर भारी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा रहता था और पायलट का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता था। उस समय सचिन पायलट राजस्थान में अपनी ज़मीन तैयार करने में थे और उस जद्दोजहद के अंदर अपनी सियासी ताकत दिखाना बेहद ज़रूरी था और यही जन्मदिन का मौका था जब उनके शक्ति प्रदर्शन का मैसेज जो है वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक जाता था। पायलट का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 सितंबर 1977 को हुआ। सचिन पायलट इस बार अपना 47वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर जयपुर में उनके समर्थकों ने खास इंतजाम किए हैं और इस मौके पर सचिन पायलट के समर्थक गौ सेवा करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जन्मदिन के मौके पर आखिर सचिन पायलट जयपुर में क्यों नहीं है। हर बार जयपुर में सिविल लाइन स्थित आवास पर सचिन पायलट का जन्मदिन जो है उसका कार्यक्रम आयोजन किया जाता था और इसी कार्यक्रम के दौरान जो भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर जुटते थे, इससे पूरे राजस्थान में भी पायलट की एक ज़मीन तैयार होती थी। इस 47 वर्ष की उम्र में सचिन पायलट ने बहुत कुछ पाया है और अपनी जो सियासी ज़मीन है वो तैयार की है, लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि 5 वर्ष तक जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहकर संघर्ष किया था और कांग्रेस को सत्ता में लाए थे, तो पायलट समर्थक तो यही कह रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत थी और उसी अदावत के बीच सचिन पायलट का ये शक्ति प्रदर्शन था, वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक मैसेज देता था और राजस्थान में भी ये मैसेज देता था कि पायलट को चाहने वाले आखिर कितने हैं और पायलट की राजस्थान में ज़मीन कितनी मजबूत है। लेकिन इस बार सचिन पायलट अपने जन्मदिन के मौके पर, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो है वो अभी बहुत दूर हैं, विधानसभा के चुनाव में अभी 4 वर्ष का समय बाकी है, ऐसे में सचिन पायलट जयपुर के अंदर कोई भी शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इसके अंदर उनके खेमे से दूर जो दूसरा गुट है डोटासरा और जूली जो माने जाते हैं, तो वो शक्ति प्रदर्शन कर कोई इस तरीके का मैसेज नहीं देना चाहते जिससे पार्टी के अंदरूनी कोई कलह पैदा हो। इसलिए सचिन पायलट इस जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही वो जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पायलट के जो सिविल लाइन स्थित आवास है उस पर भारी संख्या में समर्थकों का तांता अभी भी लगा हुआ है। पायलट के चाहने वाले राजस्थान में इतने हैं कि पायलट के ना होने के बावजूद भी उनके जन्मदिन पर खास तैयारियाँ की गई है और इस तैयारियों के बाद कुछ जो है वो सामाजिक सेवा करते हुए उनके समर्थक नजर आएंगे। गौ सेवा भी जो है वो पायलट के समर्थक करेंगे। देखना ये होगा कि 4 वर्ष अभी राजस्थान के विधानसभा चुनाव को हैं, ऐसे में पायलट भी जो है फूंक फूंक कर पाव रखना चाहते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे पार्टी के अंदर कोई कलह पैदा हो, क्योंकि सचिन पायलट भी ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर होगा वही जो आला कमान चाहेगा। क्योंकि सचिन पायलट जो हैं वो 2018 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और वही 5 वर्ष तक गद्दी पर बैठे रहे। तो अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो राजस्थान में किस तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और आने वाले समय में पायलट का राजस्थान में क्या राजनीतिक भविष्य होगा। महेंद्र बासुरता, लोकमत हिंदी, जयपुर।